नमस्कार। खिड़की तोड़कर घर में घुसे चोर, नकदी में गहने चुराए। कस्बे में बीती रात को अलवर जयपुर बाईपास पर स्थित घर में खिड़की तोड़कर घुसे चोरों ने सोने चांदी के गहने और नकदी पार कर ले गए। जानकारी के अनुसार बाईपास पर स्थित कोल्ड स्टोर के पास हंसराज सैनी पुत्र फूलचंद सैनी के गत रात्रि को अज्ञात चोरों ने मकान के पीछे की खिड़की तोड़कर घुसे। चोरों ने बक्से में रखे चांदी की पाजेब, सोने का मंगलसूत्र, सोने की चैन, चांदी के 8 सिक्के सहित 35,000 रुपये की नकदी पार कर ले गए, जिनकी पीड़ित हंसराज सैनी द्वारा करीब 1.5 लाख रुपये की कीमत बताई जा रही है। चोरी की घटना के समय परिवारजन अन्य दूसरे कमरे में सो रहा था। चोरी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। वहीं पीड़ित हंसराज ने नारायणपुर पुलिस थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया है। इधर गत रात्रि को ही बाईपास पर बाबूलाल हलवाई के भी चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए चोरों ने मकान के पीछे के जंगले को काट लिया था। चोर घटना को अंजाम देते उससे पहले ही ग्रामीणों को जाग हो गई और चोर खेत में कूदकर भाग गए। रात को 11 बजे तो मैं उठा था, जब तो कोई भी नहीं था। उसके बाद में 1-1.5 बजे के बाद में कोई अज्ञात चोर आया और पीछे से जंगला तोड़ के और पूरी अलवारी को चेक किया और पूरा उसमें बक्सा को चेक किया, तो उसमें बक्सा में 35,000 रुपए के लगभग थे और उसमें एक सोने की चैन और 250 ग्राम के लगभग पाजेब थी और उसमें वो एक मंगलसूत्र था सोने का, उसमें लगभग 1.5 लाख के लगभग माल था पूरा, वो चोरी हो गया था। पुलिस को मैंने सुबह 6:30 बजे अधिकारी को बताया तो वो 10-15 मिनट बाद मेरे पास आ गए। उन्होंने घटना स्थल पे ही देख के वो सारी चीज़ चेक की है। अब मैं कैमरा चेक करवा देता हूँ लाइट आने पर।